बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। मैं हूँ मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी। आप देख रहे हैं रूहानी बुक यूट्यूब चैनल और हमारा फेसबुक का पेज मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी। शब बरात दौलत वाली तस्बीह सिर्फ एक बार उस एक रात में पढ़ लें, जिंदगी में पैसे की कभी कमी नहीं होगी, करोड़पति हो जाओगी। शबानुल मौज़म का महीना शुरू हो चुका है और आज उसकी तकरीबन 2-3 तारीख हो चुकी है और शबान की 15 को शब बरात होती है। और शब बरात ख़ास कहा जाता है उस रात को जिस रात हमारे आमाल एक्सचेंज भी होते हैं और जिस रात समझे कि आपका नसीब लिखा जाता है, बजट की रात होती है कि अगले 15 शबान तक रिज़्क कितना है, दौलत कितनी है, कौन जिएगा, कौन मरेगा, किसने पैदा होना है, मतलब ये सारी चीज़ें लिखनी है। तो उस रात एक तो ख़ास इबादत भी करनी चाहिए क्योंकि उस रात फरिश्ते चेंज होते हैं। अब जो ये हैं फरिश्ते, इन्होंने ऊपर जाना है, तो अगर हम इबादत में होंगे तो ये जब आसमान पे जाएंगे तो एंड पे लिखेंगे बंदा इबादत के अंदर मशगूल था। जब ऊपर से नए फरिश्ते आएंगे तो वो जब आएंगे तो ये लिखा जाएगा कि ये बंदा इबादत में मशगूल था। तो कितना फ़ायदे वाली बात है। और दूसरी बात, इस रात की दुआएं इबादतें कबूल होती हैं, इस रात के जिक्र अज़कार कबूल होते हैं, इस रात के नवाफिल कबूल होते हैं, इस रात के वज़ाइफ, इसकी बहुत बड़ी ताकत है। तो अगर आप चाहते हैं तो इस रात आपने ये वाली तस्बीह जो इस वीडियो के अंदर शेयर करूंगा आपने ज़रूर पढ़नी है। अगर आप चाहते हैं कि आप दौलतमंद हो जाए, आप माला माल हो जाए, आपके रिज़्क में, रोज़ी में अल्लाह बेपनाह बरकतें अता फरमा दें, तो ये तस्बीह आपके लिए बहुत ज़्यादा ख़ास है। इस तस्बीह को कैसे पढ़ना है, कितनी मरतबा पढ़ना है और इसके मज़ीद क्या फ़ायदे होंगे, इस वीडियो के अंदर मुकम्मल तफसील शेयर करूँगा। आपसे गुजारिश करूँगा वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नहीं है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिएगा, साथ लगे बेल आइकन के बटन को दबाइएगा ताकि आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियोज़ आपको बर वक्त मिल सके। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे इस फेसबुक पेज मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी, इसको फॉलो ज़रूर कीजिएगा। इजाज़त के लिए कमेंट में अल्लाह लिखिएगा। ख़ास इजाज़त के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो को मुकम्मल देखिएगा विद आउट स्किप किए हुए। अमल पर जाएंगे लेकिन उससे पहले चंद लोगों के लिए दुआ करते हुए जाते हैं कि वो रात ख़ास आने लगी है और हो सकता है किसी की दुआ दिल से ऐसी निकल जाए, अल्लाह उसके काम बनाए, उसके वसीले से हमारे काम हो जाए। तो आप दुआ पर आमीन ज़रूर कहिएगा। कमेंट में लिखते हैं तो ज़रूर लिखा करें आमीन, कल कोई आपके लिए भी लिखेगा। आज आप लिखेंगे तो कल कोई देखेगा, यार मेरी जब दुआ हुई थी लोगों ने आमीन लिखा है तो आज इसकी दुआ हो रही है, मैं भी इस पे आमीन लिखूंगा, तो उससे आपको बड़ा फ़ायदा होगा। मेरी ज़ात के लिए रब्बे का कसम मत आमीन लिखिएगा, ये मैं आपको कह रहा हूँ, बिल्कुल ना लिखिएगा। दूसरी बात यह है कि अगर आप भी दुआ कराना चाहते हैं तो अपने लिए कमेंट लिखिएगा, ज़रूर दुआ की जाएगी, उस रात खुसूसी दुआ की जाएगी। और अगर लिख नहीं सकते तो कम से कम दिल से या ज़ुबान से तो आप आमीन उनको कह सकते हैं ताकि अल्लाह उनकी हाजते मुरादें जो है वो पूरी फरमा दे। तो आज की पहली दुआ है, कहते हैं मुफ्ती साहब मैं एक लड़की से बेहद प्यार करता हूँ, उससे शादी करना चाहता हूँ, ऐसा वजीफ़ा बता दीजिए जिससे उसके माँ बाप के कहे शादी करें। तो एक तो इनके लिए दुआ करेंगे अल्लाह ताला जो है इनकी मनपसंद को अता फरमा दे और जहाँ ये चाहते हैं इनकी शादी हो जाए, शादी की रुकावटें दूर हो जाए, अल्लाह इनको खुशियाँ अता फरमाए, खुशियों भरी ज़िंदगी अता फरमाए। इस रात, इस शब बरात की रात के सदक़े अल्लाह इनकी मोहब्बत उस रात इनके नसीब में लिख दे, उस रात नसीब लिखना जाना है। दुआएँ कराएँ, मांगेंगे अल्लाह से, हज़ारों लाखों लोग आपकी दुआ पर अमीन कहेंगे, अल्लाह आपका प्यार मोहब्बत आपके नसीब ज़रूर लिख देगा। उस रात अल्लाह आपको औलाद आपके नसीब ज़रूर लिख देगा, उस रात अल्लाह आप घर चाहते हैं वो ज़रूर लिख देगा। तो अल्लाह ताला इनकी भी शादी में जो रुकावटें दूर हो जाएं, वालदैन राज़ी नहीं हैं, अल्लाह गैब से ऐसे असबाब फरमा दे कि मिनटों में वो राज़ी हो जाए और चट मंगनी पट पिया की सूरत हाल बन जाए। आमीन सुमा आमीन या रब्बुल आलमीन। बाकी आप ऐसा किया करें रोज़ाना रात सोते वक्त 1100 मरतबा हुवर रहमानुर रहीम ये पढ़कर उसके वालदैन के ऊपर दम किया करें, चंद दिन के अमल से इंशाल्लाह उसके वालदैन खुद बखुद जो है वो शादी के लिए राज़ी हो जाएंगे। तो कौन सी तस्बीह है आपके सामने शेयर कर रहा हूँ, ये तस्बीह आपने उस रात कम अज़ कम 313 मरतबा पढ़नी है।
और अव्वल आखिर तीन मरतबा दुरूद इब्राहिमी के साथ अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। और कौन सी तस्वीर आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रही है? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल हम वल हुज़्न व आऊज़ु बिका मिनल अज़्ज़ वल कसल व आऊज़ु बिका मिनल जुबन वल बुख़्ल वाउज़ु बिका मिन ग़लबतिद दैन व कहरि रिजाल। ख़त्म करें, पढ़ें, दुआ करें, जो मांगेंगे अल्लाह नसीब भी फरमाएगा। और इससे खुदा न खासा के कर्ज़ों में मुबला है, अल्लाह ख़जाना गैब से ऐसी मदद फरमाएगा कि चुटकियों में आपका सारा कर्ज भी अदा हो जाएगा और अल्लाह आपके घर में, माल में, औलाद में, पैसों में, कारोबार में बेपनाह बरकतें ज़रूर अता फरमाएंगे। मिलते हैं इंशाल्लाह अज़ीज़ फिर किसी अच्छी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।